स्टूडेंट वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जो फर्स्ट टॉपिक बनता है कि जब हम रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करके चलते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताया, उसकी जर्नल्स कैसी होती हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है असेट्स और लायबिलिटी के बढ़ने और घटने के ऊपर। ऐसे उसका मैंने जर्नल के बाद मैंने आपको उसका परफॉर्मा बताया था कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए जाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले वो लास्ट वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक आप परफॉर्मा नहीं पढ़ेंगे, आपको नॉलेज नहीं होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, तब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तो पहले आपने मेरी लास्ट वीडियो अटेंड नहीं किया तो जाके लास्ट वीडियो अटेंड करें, और फिर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी उससे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप कंसेप्ट को क्लैरिटी से कंटिन्यू करें। आज की क्लास में हम एग्जांपल नंबर करेंगे 38। स्टेटमेंट कहती है कि मधु, नेहा और टीना पार्टनर्स हैं। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर तीन पार्टनर्स गिवन है, उनका जो शेयर है इक्वल लेके जाते हैं। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में हमारे पास लायबिलिटी और असेट साइड दोनों डाटा गिवन है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट आती है, कहते कि 1 अप्रैल को जो रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का वो 5:3:2 से हो चुका है। तो एग्रीड क्या क्या किया गया, क्लेम है जो कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर वो 1 लाख से है। ऐसी बैड डेब्ट अमाउंट 30,000 से हो चुकी है। प्रोविज़न है जो क्रिएट करना है डाउटफुल डेब्ट के ऊपर, वो एग्जिस्टिंग रेट से ही मेंटेन करके चलने हैं। गुडविल जो गिवन है हमारे पास वो 80% वैल्यूएशन करने हैं एवरेज एनुअल प्रॉफिट का, प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट उठाएंगे और उस बेस पे हम उसकी एवरेज करके गुडविल कैलकुलेट करेंगे। यू आर इन्फॉर्म दैट, कहता हमें बताया गया है कि जो 1 मार्च 2020 को एक फायर ब्रोक हुआ था जिसमें लॉस हो गया गुड्स का 1,50,000 से, यानी कि आग लग गई, आग लगने से 1,50,000 की गुड्स लॉस हो चुकी है। इसमें से 60% क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल चुका है, 60% तो रिकवर हो चुके हैं। अब 40% जो हमें लॉस है जो कवर नहीं हुआ, यानी कि 40% जो अभी तक लॉस हमें कवर नहीं हुआ। तो जब हमें 40% लॉस कवर नहीं हुआ तो उसके लिए हमें एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करेंगे उसको, यानी कि एबनॉर्मल लॉस हो चुका है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करके चलते हैं, ऐड करके चलते हैं। कहते जर्नल एंट्री करनी है किस टाइम पे, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। तो अब एक एक ट्रांजिशन हम सबसे पहले करते हैं इसकी, जैसे जैसे हमें एडजस्टमेंट में गिवन है उस हिसाब से अपन ट्रांजिशन करेंगे। सबसे पहले जैसे हमें बोला गया कि क्लेम किया गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर 1 लाख से, अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन दिया गया है वो बैलेंस शीट के अंदर कितना दिया गया। वर्कमैन कंपनसेशन 130 से गिवन है, और कहता है जो इसके ऊपर क्लेम किया गया, क्लेम कितने से किया गया, 1 लाख से। तो जो क्लेम किया गया वो कंप्लीट कर सकते हैं, आप पूरा कर सकते हैं क्लेम को, क्योंकि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर बैलेंस क्या है, इनफ है। तो जब हम इसकी ट्रांजेक्शन करेंगे तो ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, एग्जांपल नंबर 38 को जब हम सोल्व आउट करते हैं तो हमें कहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन के ऊपर क्लेम किया गया है। तो हमने देखा कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बैलेंस शीट में गिवन है क्रेडिट साइड पे कितने से पड़ा है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो 1,30,000 से गिवन है। तो 1,30,000 से जब इसके ऊपर हमने देखा कि प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना किया गया है, एडजस्टमेंट ने बोला कि 1 लाख से किया गया, तो 1,30,000 में से 1 लाख तो क्लेम कर दिया गया है। अब बैलेंस 30,000 बचता है, जो 30,000 बैलेंस बचता है वो फ्री है, तो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारे पास पार्टनर्स गिवन है मधु, नेहा और टीना, तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू मधु कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही नेक्स्ट पार्टनर का नाम हमारे पास है नेहा, तो नेहा कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही नेक्स्ट पार्टनर का नाम हमारे पास है टीना, तो टीना कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो देखो 1,30,000 था, 1,30,000 में से 1 लाख तो क्लेम हो गया, बचा 30,000। तो जो 30,000 बचा है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनकी ओल्ड रेशो जो हमें बोला है क्वेश्चन में कि वो इक्वल है, यानी कि जब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,000 10,000 10,000 से तीनों में क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से हमने वर्कमैन कंपनसेशन का हमने ट्रीटमेंट किया है यहाँ पर, कि वर्कमैन कंपनसेशन के ऊपर क्या किया गया, क्लेम किया गया।
अब नेक्स्ट में हमें बोला कि बैड डेप्ट जो अमाउंट हमारे पास कितने से हो चुके हैं, 30,000 से। अभी ये देखो बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है, जो डेट बिल्कुल ही बैड हो चुके हैं, हमें पैसा नहीं मिलेगा जिन डेटर से, उनको हम बैड डेप्ट बोलते हैं, यानी कि डेटर्स हमारे डूब चुके हैं। अब हमने देखा बैलेंस शीट के अंदर कि हमारे पास डेटर 4 लाख के थे और उसके ऊपर 20,000 से प्रोविज़न हमें क्रिएट किया था। प्रोविज़न क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि हमें डाउट रहता है कि हमारा 20,000 रुपये है जो डूब जाएगा, मतलब डाउट क्रिएट किया हुआ है हमने कि 20,000 तक हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो अब जब हमने देखा कि हमारे पास डेटर्स बैड कितने हो चुके हैं, 30,000 से, मतलब 30,000 से डेटर बैड होने का मतलब है कि 30,000 हमारे जा चुके हैं, अब हमें कभी मिलेंगे नहीं ये 30,000। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास देखो जब डेटर्स बैड हो चुके हैं तो डेटर्स क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। जब असेट्स कम होते हैं उसको क्या कर देते हैं, हमें क्रेडिट कर देते हैं 2 में डेटर्स के नाम से, हम इसको क्रेडिट कर देंगे। अब किस कारण से डेटर्स कम हुए हैं कि ये बैड हो चुके हैं, तो बैड डेब्ट को क्या कर देंगे, हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे, बैड डेब्ट डेबिट हो जाएगा टू डेटर्स से। कितने से डेटर्स बैड हो चुके हैं, 30,000 से, तो 30,000 से हमने इसको हटा देना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बैड डेब्ट 30,000 से हुआ है, हमने पहले से इन डेटर्स के रिगार्डिंग प्रोविज़न देखो असेट साइड पे हमने 20,000 क्रिएट किया हुआ है, मतलब कि हमारे पास पहले से जो प्रोविज़न हमने क्रिएट किया था, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, वो हमने कितने से किया हुआ है, 20,000 से क्रिएट किया हुआ है। जबकि बैड डेब्ट कितने हो चुके हैं हमारे पास, बैड डेब्ट हो चुके हैं हमारे 30,000 से, तो 10,000 का तो और एक्स्ट्रा लॉस हो चुका है ना फर्म को, तो ये कहाँ से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखो 30,000 बैड डेब्ट हुए थे, बैड डेब्ट जो हुआ था हमारे डेटर्स यानी कि कम हो चुके हैं, तो जब हमने इसकी ट्रांजेक्शन की कि देखो बैड डेब्ट जो यहाँ पे अपने 30,000 थे, इन 30 में से हमने पहले से 20 तो अपने प्रोविज़न क्रिएट किया था, और 30 में से 20 का प्रोविज़न मैंने क्रिएट किया, तो 10 का तो भी मुझे लॉस हो चुका है ना फर्म को, यानी कि लॉस हो चुका है, ये कहाँ से चार्ज करेगी अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे अपने रिवैल्यूएशन में। लेकिन इसने एक वर्डिंग और नेक्स्ट में बोले, कहता जो प्रोविज़न है डाउटफुल डेब्ट के ऊपर वो अभी मेंटेन करना है। अब आप वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट में मैंने देखा कि मेरे पास जो बैलेंस शीट के अंदर ना डेटर्स जो संडी डेटर्स गिवन है, डेटर्स गिवन है वो 4 लाख से गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। अब मैंने देखा कि यहाँ से जो बैड डेब्ट हो चुके हैं, बैड डेब्ट कितने से हो चुके हैं, 30,000 से, तो अब मेरे पास कितने रह गए, 3,70,000 रह गए डेटर्स। कहता कि अभी भी मुझे इन पर डाउट है, फर्म कहते कि अभी भी हमें इन पर डाउट है कि इसमें से और भी डेटर्स क्या हो सकते हैं, बैड हो सकते हैं। तो कहते कि जो ये प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा ये उसी रेट से किया जाएगा जो हमने पहले रेट रखी थी, अब हमें रेट पता नहीं है, तो रेट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो बैलेंस शीट में जो असेट साइड हमें डेटर्स और प्रोविज़न गिवन है उसके बेस पर कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा कि जब हमारे पास 4 लाख डेटर्स थे तो हमें उसमें डाउट था कि 20,000 डेटर्स क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं, मतलब बैड हो सकते हैं। तो जब हम इसकी परसेंटेज करें तो हमारे पास परसेंटेज बन जाएगा इसका 5%, यानी कि हमने जो लास्ट में प्रोविज़न क्रिएट किया था वो 5% से क्रिएट किया था कि 5% डेटर्स के बैड हो सकते हैं हमारे। तो कहते हैं कि यही प्रोविजन्स हमें क्या करें, नेक्स्ट में भी मेंटेन करके चलनी है। तो जब हम इसमें से लेस करेंगे 5% प्रोविज़न, तो जब हम 370 का 5% करेंगे तो हमारे पास इसका बैलेंस बन जाएगा 18,500 से, यानी कि 18,500 रुपये अभी मुझे क्या है, अपनी फर्म को क्या है, डाउट है कि 18,500 रुपया अभी और भी क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, यानी कि रिकवर नहीं होएगा। तो इससे क्या होगा कि डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, तो डेटर्स कम हो जाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 2 में प्रोविज़न ऑन डेटर के नाम से, प्रोविज़न फॉर डेटर्स के नाम से, डाउटफुल डेब्ट के नाम से कितना दिखाएंगे अब 18,500 से, क्योंकि अभी भी फर्म को लगता है कि 18,500 रिकवर नहीं होगा। तो इस तरीके से नए वाला प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा। अब अपन नेक्स्ट इसमें बोला है गुडविल के रिगार्डिंग, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि क्या बैलेंस शीट के अंदर कुछ और बैलेंसेज असेट्स या लाइबिलिटी साइड पर पड़े हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। अगर हमारे पास कुछ रिजर्व्स या फिर कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं तो हम पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे हमारे पास लाइबिलिटी साइड पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था जिसका हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, अब असेट साइड पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। जब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस असेट साइड पे दिया जाता है, मतलब वो क्या होता है, लॉस होता है फर्म के लिए, डेबिट बैलेंस जिसे बोलते हैं, तो ये भी कौन लेके जाएंगे, पार्टनर्स लेके जाएंगे। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में तो हमारे पास तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या करनी पड़ेगी, डेबिट करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मधु कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, नेक्स्ट पार्टनर हमारे पास बनते हैं नेहा,
तो नेहा कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। नेक्स्ट पार्टनर हमारे पास बनता है टीना, तो टीना कैपिटल अकाउंट भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या कर देंगे, इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 60,000 है, ये 60,000 जो गिवन है हमारे पास बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस गिवन है, तो इनको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशो में इसने बोला है कि इक्वल लेके जाते हैं ये, जब इक्वल लेके जाएंगे तो यानी कि 20,000 इसका हो जाएगा, 20,000 नेक्स्ट का, और ऐसे 20,000 नेक्स्ट का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनमें पार्टनर्स के अंदर जो भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है हमारे बैलेंस शीट की असेट साइड पे। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करके चलते हैं गुडविल को। गुडविल को कैलकुलेट करके चलेंगे तो उसके लिए हमारे पास सारा डाटा गिवन है। कहता है जो गुडविल है 80% करने की इसकी एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेना है, प्रीवियस थ्री ईयर का लेना है। यानी प्रीवियस थ्री ईयर का मतलब क्या है कि हमें जो उठाना है बैलेंस वो 2018 से 2019 का उठाना है, ऐसे 2019 से 2020 का उठाना और 2020 से 2021 का उठाना। तो ये 3 साल का हमें क्या लेना है, ये प्रॉफिट उठाना है। अब देखो 2018-19 से हमारे पास 2 लाख का लॉस है, तो लॉस को अपन माइनस कर देते हैं, तो 2 लाख का लॉस अपन यहाँ पे दिखा देते हैं। नेक्स्ट में जो 2019-20 है इसके रिगार्डिंग हमारी ट्रांजेक्शन दी हुई है, कहता है 1 मार्च 2020 है ये जो ईयर है, ये हमारे 31 मार्च को क्लोज होगा। 1 मार्च की ट्रांजेक्शन यानी कि इसके अंदर एडजस्ट करेंगे हम। कहते हैं फायर ब्रोक हो गया जिसके कारण 1,50,000 गुड्स क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लॉस हो चुकी है, लेकिन 60% तो कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से हमें रिकवर हो गया। 60% तो रिकवर हो गया लेकिन 40 तो रिकवर नहीं हुआ ना, 40% क्या होगा, लॉस होगा फर्म को। कौन सा लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब हमने देखा कि इस साल हमारे पास 19-20 में जो प्रॉफिट है वो 4,40,000 से है, 4,40,000 में एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब हम इसमें एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे 1,50,000 का, जब हम 40% करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 1,50,000 का 40% जब हम करके देखते हैं तो हमारे पास बनता है 60,000 से, तो 60,000 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा 4,40,000 प्लस 60,000 करके, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 5 लाख। यानी कि 5 लाख प्रॉफिट नेक्स्ट का आ जाएगा, इससे नेक्स्ट का प्रॉफिट एज इट इज़ जाएगा, क्योंकि उसके रिगार्डिंग हमारी कोई टेंशन नहीं है। तो 6 लाख का 6 लाख एज इट इज़ चला जाएगा। तो जब हम इसको टोटल करेंगे, हम ऐड करेंगे पहले 5 और 6 को, उसमें से माइनस करेंगे 2 लाख को, तो हमारे पास 9 लाख क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जब हम टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर से तो हमारे पास एवरेज आ जाता है। जो ये 9 लाख टोटल प्रॉफिट है कितने साल का, ये 3 साल का, तो जब हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 लाख। 3 लाख हमारे पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसी एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो कहता है कि जो गुडविल है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे, कहता है जो एवरेज प्रॉफिट है उसका हमने क्या करना है, 80% करना है। तो हमारे पास 3 लाख आया, हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट उसका 80% करेंगे, 8 या 24, तो हमारे पास 2,40,000 की आ जाएगी गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,40,000। अब इस गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स के बीच में, तो कैसे करेंगे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट, उनकी जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो होती है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के लिए हमें 2 रेशियो चाहिए होती हैं, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। तो हम सबसे पहले इनके नाम लिखते हैं, मधु पार्टनर्स हैं, ऐसे हमारे पास नेहा और नेक्स्ट टीना। तो ओल्ड रेशियो कहता है ये इक्वल है, इनको ले लेंगे। ऐसे न्यू रेशियो में इसने बोला कि चेंज होकर के इनकी रेशियो हो चुकी है वो 5:3:2 से। तब जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो में से जब माइनस करते हैं न्यू रेशियो तो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग आते हैं। सबसे पहले हम पहले पार्टनर का शेयर निकालते हैं, तो जब हम पहले पार्टनर का शेयर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस कर देंगे 5/10 हमारे पास आ जाएगा ये। जब इसको सोल्व आउट करेंगे 3 दया 30, तो 10 से कम 10, माइनस 5 से 15, 10 में से 15 गया 5/30 हो जाएगा, 10 से 15 यानी कि 5 क्या हो चुका है, इसको गेन हो चुका है। यानी पहले पार्टनर्स का हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, गेन आ गया। ऐसे नेक्स्ट पार्टनर्स का हम कैलकुलेट करते हैं कि गेन होते हैं सैक्रिफाइस होते हैं। तो जैसे हमने अपने एस का निकाला फॉर्मूला लगा करके, वैसे नेक्स्ट का पार्टनर का निकालेंगे। मधु के बाद हमारे पास आते हैं एन में से हमारे पास देखो 1/3 ओल्ड शेयर है, ऐसे नेक्स्ट में 3/10 क्या हो जाएगा, हमारा न्यू शेयर हो जाएगा। इसका ऐसे में लेंगे 30 हमारे पास, 10 माइनस में 3 दिया 9, तो 10 में से 9 गया 1/30 क्या आ जाएगा, 10 से 9 गया यानी कि सैक्रिफाइस आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट पार्टनर का हम शेयर निकालते हैं टी का, 1/3 में से जब माइनस करते हैं 2/10, तो हमारे पास 30 एलसीएम आ जाएगा, 10 माइनस में 6 करेंगे तो 4/30 क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 से 6 होगा यानी कि सैक्रिफाइस आएगा। जितना ही सैक्रिफाइस करते हैं उतना ही वो गेन करेगा। यहाँ पे 4 और 1 5 हो गया, और 5 ही क्या किया गया, गेन किया गया। हम ट्रांजिशन कैसे करते हैं इसकी, देखो 5 गेन किया गया और 4 और 1 5 5 ही क्या किया गया सैक्रिफाइस, यानी जितना सैक्रिफाइस किया जाएगा उतना ही वो गेन करके लेके जाएगा। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं गुडविल को। तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो गेनिंग पार्टनर्स होता है उसको डेबिट करते होते हैं, सैक्रिफाइसिंग को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो पार्टनर्स है एम, तो एम को क्या कर देंगे हम यहाँ पे
एम की फुल नेम है इसका मधु, तो मधु कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, तो मधु कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। हमने गुडविल कैलकुलेट किया यहाँ पे 240,000 से, 240,000 का हम 5/30 करेंगे, तो 240,000 का जब हम 5/30 करते हैं तो हमारे पास 40,000 बैलेंस बनता है। ऐसे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको क्या करेंगे क्रेडिट। एंड कौन है हमारे पास, नेहा, तो नेहा कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी। नेहा कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे, हमारे पास गुडविल का बैलेंस है 240,000 से और जो उसने सेक्रीफाइस किया 1/30 से किया, तो इसको जब हम सोल आउट करेंगे तो हमारे पास 8,000 से बन जाएगा। ऐसे लास्ट पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया टीना ने, तो टीना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। टीना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करके तो इसमें गुडविल की अमाउंट 240,000 से है और इसका सेक्रीफाइसिंग 4/30 से है, तो जब सोल आउट करेंगे तो 32,000 से आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको गुडविल को डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब सबसे लास्ट में हम क्या बनाते होते हैं, क्या बनाएंगे बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके उसके जो बैलेंसेज आते हैं वो कहाँ ट्रांसफर करने होते हैं हमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें बैलेंसेज जो हमने ट्रांसफ़र किए रिवैल्यूएशन के अंदर वो सारे यहाँ पे पोस्ट करके चलते हैं। जैसे हमने देखा कि पहले ट्रांजेक्शन में कोई हमारा रिवैल्यूएशन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारी बनती है बैड डेबिट के रिगार्डिंग, उसने हमें जरूर यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या किया, डेबिट किया, डेबिट साइड पे हम लिख के चलते हैं 10,000 से, तो यहाँ पे 10,000 दिखाएंगे, लेकिन नाम हमें अपोजिट लेना होता है। 10,000 किस नाम से दिखाएंगे, टू बैड डेबिट के नाम से, तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, टू बैड डेबिट, बैड डेबिट के नाम से हमने क्या दिखा दें, 10,000। देखो बच्चों यहाँ पे ना रिवैल्यूएशन के आगे वाली अमाउंट जरूर आती है, लेकिन नेम हमें अपोजिट उठाना होता है, जो अमाउंट जाता है वो रिवैल्यूएशन के सामने जितना अमाउंट होता है वही जाता होता है, जैसे हमने +1 में किया था। आई होप कि आपने कंसेप्ट क्लैरिटी होगी ऑलरेडी, क्योंकि +1 में ये सब चीज़ें पकड़ के आए हुए हैं। नेक्स्ट में हमने देखा कि क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे बनाया गया, हाँ हमने ओपन किया रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे क्या किया है डेबिट किया, तो हम यहाँ पे ना इसकी डेबिट साइड उठा लेंगे डेबिट साइड पे, लेकिन हमें नेम कौन सा उठाना होता है, अपोजिट नेम उठाना होता है, तो नेम अपोजिट किया है प्रोविजन फॉर डेटर के नाम से, हमने कितना बनाया था 18,500 से, 18,500 यहाँ पे पोस्ट की गई थी। तो अब हमने देखा और तो इसके अलावा कोई बैलेंस है नहीं है, तो यहाँ पे बैलेंस किस चीज़ का आएगा, अब यहाँ पे 28,500 हमारे पास बैलेंस बच जाएगा। जब बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड पे आता है तो ये किस चीज़ का बैलेंस होता है, लॉस का, तो इसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, जितने भी हमारे पास पार्टनर्स होते हैं ना, तीन पार्टनर्स है इस बार हमारे पास, जैसे हमने मधु नेहा और टीना की हुई है, तो मधु नेहा और टीना में ट्रांसफ़र कर देंगे, ये इसकी ओल्ड रेशो में जाता होता है, ओल्ड रेशो है हमारी इक्वल, इक्वल जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 9500 और 9500 से जाएगा। अब इस लॉस की हमें क्या करनी होती है, जनरल भी करनी होती है। जनरल कैसे करेंगे हम, कि देखो ये पार्टनर्स ने लॉस सफ़र किया तो ये इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, तो तीनों के जब हम नाम लिखेंगे मधु कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मधु कैपिटल को क्या कर देंगे हम डेबिट कर देंगे, मधु कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट पार्टनर का नाम हमारे पास आता है नेहा, तो नेहा कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। लास्ट में हमारे पास पार्टनर आता है टीना, तो टीना कैपिटल अकाउंट भी क्या कर देंगे हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और जो लॉस आया हमारे पास रिवैल्यूएशन का उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। टोटल लॉस 28,500 से था तो यहाँ पे 9500 ऐसे यहाँ पे 9500 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज प्रैक्टिकल किया है, एक एक ट्रांजेक्शन को मैंने आपको क्लैरिटी से क्लियर करवाया है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये आज का प्रैक्टिकल समय जो समझ में आ गया होगा, तो आपकी ये दो क्लासेस बनती थी, जैसे पिछले मैंने आपको रिवैल्यूएशन बनाया और उसी से रिलेटेड आज मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि जब हम बैलेंस को ट्रांसफर करके चलते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर, यानी कि जो भी रिवाइज बैलेंस होते हैं उसको हम उठा के चलेंगे अपनी बैलेंस शीट जब बनाते हैं ना इस क्वेश्चन में, तो जैसे हमसे पूछा नहीं है बैलेंस शीट बनाओ, तो अगर इसमें बोला होता ना बैलेंस शीट बनाओ, तो इसमें जितने भी रिवैल्यूएशन करने के से वैल्यू है जो वही हम ट्रांसफर करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी इसका जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि जब हम रिवाइज वैल्यू को नोट नहीं करते तो उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफेशनसी को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरी वीडियो अटेंड करें और आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो। ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर बच्चों को क्वेरीज हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।